हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स किचन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो हम सबके किचन में होती है और अक्सर हम सभी अपने घरों में बनाते रहते हैं, व्हाइट चना, जिसे हम लोग काबुली चना या इंग्लिश में चिक पीस भी बोलते हैं, या सफ़ेद चना भी इसे बोलते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाइट चना की सलाद बनाने की रेसिपी और इसे खाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सफ़ेद चना में भरपूर मात्रा में बहुत सारे विटामिन फाइबर मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस सफेद चना में बहुत सारे फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे वजन को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है और ज्यादातर इसे खाना हम लोग बहुत पसंद भी करते हैं। इसका सेवन करने से एक तो हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती और दूसरा लंबे समय तक हमारे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है जिससे हमें भूख नहीं लगती और हमारा वजन भी नहीं बढ़ता और वजन को बढ़ने से भी रोकता है। साथ ही भरपूर मात्रा में इसमें आयरन और प्रोटीन पाया जाता है तो हमें आयरन की कमी को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है सफेद व्हाइट चना। हम लोग तो इसे कई तरह से बना के खाते हैं, सैलेड में, ग्रेवी में, बहुत तरह से व्हाइट चना को बनाकर खाते हैं, बट इसे सैलेड के रूप में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है इसे बॉइल करके खाने में। सफेद चना खाने का सबसे अच्छा टाइम नाश्ता ही होता है क्योंकि ये सैलेड के रूप में खाने से बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी के लिए सेहतमंद होता है। तो चलिए व्हाइट चना का सैलेड बनाना स्टार्ट करते। तो आज हम सफेद काबली चना का सलाद बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, झटपट से बनने वाले तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ व्हाइट सफेद चना एक कप लिया है। अब इसे पानी में हम भिगो देंगे 4 से 5 घंटा, या आप चाहे तो पूरी रात भिगो सकते हैं। भिगोने के बाद 4 से 5 घंटा बाद हम देखेंगे कि हमारे चने कितने फूल गए हैं। जब 4 से 5 घंटे या रात भर भिगोने के हो जाए तो आप इसे, चने को भिगोने के बाद बॉयल करने से होता है कि हमारे चने जल्दी से बॉयल हो जाते हैं और अच्छे से प्रॉपर तरीके से बॉयल होते हैं। इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पानी लिया है प्रेशर कुकर में, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होगा कि हमारे चने खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगेंगे और अच्छे से बॉयल्ड भी हो जाएंगे। फिर ऐसे हम अपने चने को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद आप देख सकते कि हमारे चने कितने अच्छे से बॉयल्ड हो गए हैं। बॉयल्ड करने के बाद हम चने को छन्नी से छान लेंगे, उसे किसी निकाल कर प्लेट या बाउल में रख लेंगे। उसके बाद इसका सैलेड बनाने के लिए इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्याज कट कर लिया है बारीक, 1 टोमेटो भी कट कर लिया है, ग्रीन चिली, थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरा धनिया, लेमन जूस 1 चम्मच और थोड़ी सी ब्लैक और थोड़ी सी ऊपर से चाट मसाला छीट देंगे। तो चलिए सफेद काबली चना का सलाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो सफेद चना बॉयल किया है उसे ले लेंगे और फिर जो हमने सैलेड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कट किए हैं उसे डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑनियन डाल देंगे, फिर ग्रीन चिली, कटा हुआ टोमेटो, लेमन जूस और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरा धनिया, इन सबको डाल कर मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मिक्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चाट मसाला छीट देंगे, इससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। फिर आप देख सकते हैं अब हमारे काबली चना व्हाइट चना का सैलेड बन के रेडी है। आप इसे नाश्ते के साथ खाए, बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। इन सफेद काबली चना में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को पेट में कब्ज होने से रोकता है और दूर भी करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन, हाई प्रोटीन मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बॉडी के बहुत ही हेल्पफुल करता है, प्रॉब्लम्स को दूर करता है और इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। व्हाइट चना में पाए जाने वाले तत्व हमारे चेहरे के झुर्रियों तथा दाग धब्बे को दूर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सफेद काबली चना में बहुत ही कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल में करने में मदद करता है और ये हार्ट ब्लड प्रेशर को भी कम करने में बहुत ही मदद करता है। एक तो इसे बनाना सैलेड इजी है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोग भी अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए व्हाइट चने को और हमारे बॉडी में होने वाले बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद मिलेगी। खाने में तो हेल्दी है ही और बनाना तो और आसान है। तो आप
आप लोग भी जरूर ट्राई करें इस तरह से चने का सलाद बनाकर खाएं। और अगर तो ये अगर चने का सलाद बनाने की रेसिपी और टिप्स पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।